चौथी बार है मेले में बढ़ने में शक नहीं है, कोई शक नहीं, 22,000 से ज्यादा ले जाएंगे। पीसो क्यों तो बेचती हो, रेल बेचती, पटरी बेचती, 2014 के बाद में कहीं काम करी बीजेपी सरकार, बताओ सो क्यों बेचती हो, चाय बेच वाले देश ने बेचती हो, युवा शक्ति ने बेचती। बोले आला रे आला, गोविंद आला। और मिनिमम 51,000 वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे गोविंद जी, काम की गंगा में बह के पार लग जाएंगे क्या इस बार? चौथी बार हम करें 50 ऊपर ले जाएंगे, पार लगाने की वाली बात कर रहे हो? 172 गांवों में ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 50-50 आदमी इनके पर्सनल जान पहचान के ना हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लक्ष्मणगढ़ में चुनाव लड़ रहा है ना, वो चाइना की बात करके लड़ रहा है, लक्ष्मणगढ़ की बात नहीं कर रहा वो। साहब आप बताओ गांव में कैसे काम हुए है? हाँ खूब है साहब, थोड़ा कोई नहीं, बाकी कौन छोटी काम में, हमारे गांव में 13 रास्ता है, 12 में डाबर गेट दी, एक ही बाकी बच्चे। आज तो अड़े भीड़ भी खूब है डोटासा जी की सभा के, मैं पूरा गांव ही आए क्योंकि आज तो पूरा गांव ही वोट देसी ना, पूरा गांव ही आ देखो तो बढ़िया कोटे को लेन देन को दिए सर, कांग्रेस पूरा गांव ही कांग्रेस है, ये मान लो अड़े झांटी बोलता भी कांग्रेस ही होगा। बहुत बढ़िया साहब, आपको क्या कहना गोविंद सिंह डोटासा के 5 साल का कार्यकाल ने? बहुत बढ़िया काम करवाए और बहुत ही बढ़िया, मतलब चाल चलन का यहाँ अच्छा, और मैं तो कांग्रेस यहाँ सदा ही कांग्रेस ही वोट दी। चलो बहुत बढ़िया बाबा, आपके कहो कैसो काम हुआ पिछला 5 साल में? हा? काम कैसो की हो 5 साल में? 5 साल में कच्चा पक्का है। तो डोटासा जी हसी के और चौथी बार पक्को हसी, अब तो हसी पक्को हसी। फिर मैरिया जी? मैरिया जी को बस विश्वास खोले, वो तो पक्को हसी। हेलो बहुत बढ़िया, सब आप क्या कहेंगे 5 साल के कार्यकाल को? इंशाल्लाह 5 बार किया, बढ़िया काम हुआ क्या? बढ़िया काम हुआ, बढ़िया एक नंबर। सर आप बताएं कैसा रहा कार्यकाल 5 साल? कार्यकाल बढ़िया रहा, अच्छा रहा, पहले पीछे का कार्यकाल भी अच्छा रहा, अभी भी अच्छा रहा। तो अभी क्या लगता है कि इस भीड़ को जन समर्थन को देखते हुए इस बार डोटासा जी चौथी बार बनेंगे विधायक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पक्का बनेंगे। बनने में शक नहीं है? अच्छा इधर देखिए, समझो आप चौथी बार है मेले में बढ़ने में शक नहीं है, कोई शक नहीं, 22,000 से ज्यादा ले जाएंगे, 22,000 से ज्यादा ले जाएंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ क्या लगता है माहौल देख के? माहौल एक तरफ हो रहे हैं, कांग्रेस जीत सी बीजेपी सो क्यों तो बेचती हो, रेल बेचती, पटरी बेचती, 2014 के बाद में कहीं काम करी बीजेपी सरकार, बताओ सो क्यों बेचती हो, चाय बेच वाले देश ने बेचती हो, युवा शक्ति ने बेचती, कोई उम्मीद को नहीं मान बीजेपी से, कांग्रेस एक तरफा जीत सी। सब आप बताएं आप क्या कहते हैं? आप हमारा ये कहना है कि जुमलेबाजू के चक्कर में नहीं आएंगे, विकास पे वोट होगा। बोले आला रे आला, गोविंद आला। अब की बार खूब वोटों से जीतेंगे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हर गांव में ढाणियों में सड़क, बोले वो मैरिया जी घूमेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे, उनके हाथ फाला हो जाएंगे, इतना विकास किया कि गिनती में नहीं है। और गोविंद सिंह डोटासरा जीतेंगे, बहुत बहुत मोटो से जीतेंगे। क्या कहते हैं साहब? गंगा बहादी इस आदमी ने, और ये 30,000 वोटों से जीतेगा, नहीं समझे, इतना काम का आज तक किसी ने कराया भी नहीं, आगे भी होना मुश्किल है। भाई आप सर, इतना काम राजस्थान में कहीं पे भी नहीं हुआ, पूरे राजस्थान में नहीं हुआ, और मिनिमम 51,000 वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे गोविंद जी। जैसा कि हम पिछले 15 दिन से मैं साथ घूम रहा हूँ गांव-गांव, डाणी-डाणी में, यहाँ से भी मतलब यहाँ भी काफी माताएं बहने आप चारों तरफ देख रहे हैं, युवा साथी बुजुर्ग, मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मिनिमम 1.25 लाख वोट से ऊपर मिलेंगे गोविंद सिंह को पोलिंग के, बहुत काम हुआ चारों तरफ, बाजार में देख लो आसपास, एक भी पंचायत पीछे नहीं आएंगे, 53 पंचायत है हमारे नेत स्वामी और एक भी पंचायत पीछे नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, पंचायत का हर काम, एक ही काम नहीं, मोमडंस के इनका काम, ब्राह्मणों के इनका काम, बाबा जी के मंदिर का इनका काम, सड़क का इनका काम, काम रहा कौन सा ये तो इनसे पूछो किसी से, ये हमारे सामने फिर नेता बने बने, इनसे ये तो पूछो कि काम रह गया कौन सा, तुम्हारी शर्म खर उठी है, कब्रिस्तान के कब्र इनकी इनकी टेंट सेट, चार दीवारी बगीचे में बगीचा 35 लाख रुपए के नहीं उन्होंने दे करके काम करवाया, कितने कामों की गिनती करें, ये खुद करें, सही बात है ये गिनती करें, करना हम साय करें ना तो गिनती नहीं होगी, इतने काम हैं हमारे यहाँ, 18 करोड़ के काम होते हैं क्या कहीं? 56 करोड़ के बता रहे हैं काम, बोलो अब 56 करोड़ का काम हो गया, अब 56 करोड़ रुपये गिनती नहीं होती, 56 करोड़ की लोगों से 56 करोड़ की गिनती नहीं होती, 56 करोड़ के काम हो गए। तो इस काम की गंगा में बह के पार लग जाएंगे क्या इस बार चौथी बार? हम कह रहे हैं 50 ऊपर ले जाएंगे, पार लगाने की वाली बात कर रहे हो? लो बसा।
बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बताओ, आप तो जगह जगह जा रहे हो, सब जगह घूम रहे हो, लोगों में क्या माहौल है? देखो, डोटासरा जी एक ऐसे नेता है जिनके पास विकास भी है और विजन भी है। धरातल से जुड़े हुए आदमी है। लक्ष्मणगढ़ का हर शख्स इस बात को बहुत भली भांति जानता है कि आने वाले समय में लक्ष्मणगढ़ के लिए कौन उपयोगी साबित होगा, और उसको सोचकर ही सब लोग डोटासरा जी के साथ जुड़े हुए हैं। गांव गांव, गली गली, हर मोहल्ले में, हर वर्ग में, हर जाति विशेष में सब लोग डोटासरा जी को वोट करेंगे, विकास और विजन को वोट करेंगे। एक बात बताऊँ, 172 गांव हमारे लक्ष्मणगढ़ तहसील में, हर गांव के अंदर एक एक गांव के अंदर 50-50 आदमी थे, इनके पर्सनल जान पहचान के, व्यक्तिगत वो नाम उनको जाने और हम उनका नाम जाने, बोलो मेरा नाम वो जाने, मैं उनका नाम जानूं, व्यक्तिगत 50-50 हर 172 गांव है हमारे लक्ष्मणगढ़ तहसील में। 172 गांवों में ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 50-50 आदमी इनके पर्सनल जान पहचान के ना हो। जितना बजट एक ये खीरवा गांव का नाम आता है कि वहां पे थोड़ी समस्या हो सकती है। 70% वोट आएंगे, आप तो ये बात कर रहे हो, 70% वोट आएंगे। जितना बजट विधानसभा का, पूरी विधानसभा का हुआ करता था आज से बहुत थोड़े से समय पहले, उससे ज्यादा बजट तो एक एक ग्राम पंचायत में खर्च हुआ है पिछले 5 साल। बता तो रहा हूँ, 56 करोड़ लक्ष्मणगढ़ मैं सर्विस करता था उस टाइम पर, 56 करोड़ पंचायत समिति का बजट नहीं आता था, 56 करोड़ पूरी पंचायत समिति का बजट नहीं आता था, एक पंचायत का आ रहा 56 करोड़। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो हमारी कमी निकालने के बजाय, वो अपनी केंद्र सरकार, सांसद उनके प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक काम गिना दें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र सिंगल 9 साल में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो अपने सांसद महोदय की एक उपलब्धि गिनाते हैं। हमारे पास तो 100 उपलब्धि नहीं, 1000 उपलब्धियाँ हैं, वो एक अपनी उपलब्धि हमारे अंदर नुक्ताचीनी कमी के बजाय, क्योंकि पैरेलल सरकार उनके पास भी है, स्टेट की सरकार से हम बिलोंग करते हैं, केंद्र की सरकार उनके पास भी है, तो केंद्र की सरकार का विजन नहीं होता क्या? केंद्र की सरकार का भी एजेंडा होता है, केंद्र की सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उनका भी काम धरातल पर विकास कराना होता है, तो वो गिनाए ना हमारे सामने। एक मिनट ला दो आप किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को या कार्यकर्ता को, विजन और विकास पर बात करने के लिए तो आएंगे नहीं। जाति धर्म ऐसा है वैसा है, चाइना में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लक्ष्मणगढ़ में चुनाव लड़ रहा है ना, वो चाइना की बात करके लड़ रहा है, लक्ष्मणगढ़ की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की बात करके चुनाव लड़ रहा। हम तो बहुत खुश होंगे, वो आए हमारे सामने, हमारा प्रतिनिधि रहा है पिछले 5 साल में राजस्थान की सरकार में डोटासरा जी के माध्यम से, उनके पास भी प्रतिनिधित्व है केंद्र की सरकार में, गिनाओ उपलब्धियाँ। इसलिए लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, डोटासरा जी अब एक कोई उम्मीदवार नहीं है इस चुनाव के, डोटासरा जी जनभावना बन चुके हैं लक्ष्मणगढ़ के लिए। अब जी आप बताओ, गोविंद जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत काम करा दियो। मेहरिया जी भी आ रहे वोट मांगवा, हाँ तो बनाओ सब, लेकिन ने था नहीं सही मांगे हैं तो बड़ी वोट तो मांगे ही, कोई मर्जी हो तो जो भी ने काम तो मर कराई, कोई डगड़ी कोई नहीं मिलाई, कोई अच्छा डगड़ी कोई नहीं मिलाई हमारे गांव के बाद 15 वर्ष ठीक।